उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। आशीष आज स्कूल नहीं जा रहा है। छोटे इसको पढ़ने में थोड़ी सी अजीब सी प्रयोग है ना, थोड़ा सा हमको अटपटा लग रहा है। क्यों? देखिए यहाँ पे हम आशीष जो है बार बार उसका क्या करें, प्रोनाउंसिएशन करें, किसी का नाम बार बार ले रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ। आप लोग देखिए शिक्षक अच्छा शिक्षक है। यहाँ पे आशीष की जगह लिखते हैं हम लोग वह। वह बच्चों को पढ़ाता है आशीष। यहाँ पे आशीष को हटा के हम लिखते हैं उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। यहाँ पे वह है ना, आज स्कूल नहीं जा रहा। अब इसको हम फिर से पढ़ते देखिए। आशीष एक शिक्षक है, वह बच्चों को पढ़ाता है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वह आज स्कूल नहीं जा रहा है। अब ये पैराग्राफ पढ़ने में हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि भाषा सटीक सुंदर और सरल हो गई है। तो बेटा हमने क्या किया, इसमें नाम की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग किया है ना, जिससे क्या हुआ वो हमको उस जो भाषा की लिखावट है और जो पैराग्राफ है वो अच्छे से हो गया है ना। तो वह जो हमने नाम की जगह लिखा हुआ है वह उसका वह उन्हें तुम्हें ये जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और किसकी जगह पे लिखा हमने, नाम की जगह पे। तो नाम की जगह जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। देखिए सर्व मीन्स क्या होता है, सबका। सर्व मीन्स सबका और नाम में संज्ञा है ना बेटा। जो शब्द संज्ञा की जगह, संज्ञा क्या है, नाम है। किसका नाम है, सबका नाम। तो सर्वनाम क्या हुआ, संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सर्वनाम शब्द लिखे हैं, जैसे कि अगर रुके तो मैं मेरा मुझे है ना। अगर हम किसी सामने वाले के लिए बात करते हैं तो तुम तुम्हें तुमसे है ना। और दो लोगों के बीच में अगर तीसरे व्यक्ति के लिए बात करते हैं क्या यूज करते हैं, या वह उसका उसकी। और यदि हम किसी प्रश्न के लिए पूछते हैं तो कौन सा सर्वनाम यूज करते हैं, क्या कौन कुछ कोई है ना, ये सभी है। उसमें पूरे उदाहरण दिए हुए हैं है ना, बहुत सारे सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। और सर्वनाम में हम जैसे कि आदरणीय जो होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, जिनको सम्मान देते हैं, उनके लिए सर्वनाम में हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, ये था सर्वनाम।